गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है? आई होप कि आप बढ़िया होंगे गाइस। आज है 11 जनवरी और ठंड का टाइमिंग है, थोड़ा ठंड लग रहा है मुझे भी। और टाइमिंग हो रहा है 8:30, 8:25 बोला जाए तो, जो करेक्ट टाइमिंग है। तो अभी मैं निकला हूँ घर से, और अभी निकला हूँ, देखता हूँ, मैंने आउट स्टेशन बुकिंग खोल के रखी थी, काफ़ी देर से बजी नहीं है। तो अब मैं लोकल भी खोलता हूँ क्योंकि काम तो लोकल में भी अच्छा होता है। आउट स्टेशन तो बच गई, नहीं भी बची, कई बार ऐसा भी होता है। तो चलते हैं पहले सीएनजी पंप पे, सीएनजी करवाएंगे, क्योंकि सीएनजी गाड़ी में रात को मैं करवाई नहीं थी। रात को नींद आने लगा था बहुत ज़्यादा, इसलिए थक गया था। चलते हैं अब सीएनजी पंप पे और देखते हैं आज के कहाँ क्या रहेगा। आज का जो ब्लॉक है यहीं से स्टार्ट करते हैं, घर से स्टार्ट करते हैं। घर के पास ही मैं, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ बुराड़ी में, वहीं से ब्लॉक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीएनजी पंप पे। क्या होता है आज का दिन का पूरा ब्लॉग बताएंगे। इसी ब्लॉग में बने रहिए आप लोग, इस ब्लॉग में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है ना इतना। तो चलिए गाइस, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, कम से कम मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। कैसे हैं दोस्तों? मैं इससे पहले आपको अपडेट दिया था, तो वो था मैं अपना संतरा बुराड़ी से, वहाँ से मैं आया गाजियाबाद, गाजियाबाद अपना रिपब्लिक क्रॉसिंग की तरफ। 600 कुछ का बिल था, कस्टमर ने हमें पूरा पे किया, मुझे ऊबर ने दिया 470 रुपये प्लस 120 का टैक्स जो होता है वो दिया। उसके बाद मैं वहाँ से धीरे धीरे छोटा छोटा ड्यूटी दो दो किया, और उसके बाद मैं पहुँच गया वैशाली मैक्स हॉस्पिटल के पास। वहीं खड़ा हूँ काफ़ी देर से, ड्यूटी वही बज नहीं रही। अब धीरे धीरे देखता हूँ यहाँ से कोई और जगह चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई ड्यूटी बजेगी। दोस्तों एक अपडेट आप लोगों को देना था, अपडेट ये रहा कि आजकल ऊबर में सभी ड्राइवर को फेस करना हो रहा होगा, या कुछ लोगों को ड्राइवर के साथ हुआ भी है, जैसे कि TDS कटता है। TDS साल में एक बार 5,000 कटता है, वो आपके अकाउंट से ओवर माइनस कर देगा। 5 लाख के काम का जो करता है एक साल में, उसके लिए 1% TDS काट लेगा ओवर, और आप कुछ नहीं कह सकते। जो ITR वगैरह फाइल करेगा तो वो पैसे रिफंड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरा दोस्तों मैं कहता हूँ कि 5,000 रुपये एक बार कटवाने से बेहतर है कि ऊबर कंपनी को कॉल करें और ऊबर से बोले कि भैया हमें हर राइड पे 1% आप डिडक्ट करते जाओ। तो उसमें यह होगा कि आपका हर राइड पे 1% कटता भी जाएगा और आपको भी पता भी नहीं लगेगा। और उसके बाद आप एक साल में ITR फाइल करेंगे तो जाके आपको पैसे भी रिफंड आ जाएगा। जो TDS कटता है वो आप न तो आपका होता है ना गवर्नमेंट ओवर का होता है, वो गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं, फिर वो आप क्लेम ठोकेंगे तो आएगा रिफंड पैसे। तो दोस्तों यही एक अपडेट था आप लोगों के लिए। नया अपडेट में मैंने देखा है जो कई ड्राइवर भाइयों के साथ ऐसा होने लगा है। तो दोस्तों चलिए ठीक है, मेरी आप अपडेट से संतुष्ट होंगे, और देखते हैं अब यहाँ से कहाँ की ड्यूटी बजेगी, क्या होगा, मैं आपको अपडेट दूंगा बहुत जल्दी। और आज मैं ज़्यादा ब्लॉक लंबा बनाऊंगा नहीं, छोटे जितना शॉर्टकट ब्लॉक होता है उतना बेस्ट रहेगा। मिलते हैं डिफरेंस लोकेशन के बाद और आपको देंगे अपडेट। जब तक बने रहिए इस ब्लॉग के अंदर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज और लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आपके पास सारा अपडेट आ जाए कि AT ब्लॉग की तरफ से एक वीडियो का अपडेट हुआ है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप चैनल सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले वीडियो का नट पॉपअप आपके पास ही जाता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। दोस्तों क्या हाल चाल है? दोस्तों रात के बज गए 10 और मैं जा रहा हूँ अपने घर। दोस्तों आज थोड़ा काम डाउन रहा मार्केट, ओला उबर की सबकी, आज कुछ भी ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो दोस्तों आज मैं रोनी में ट्रिप एंड किया बुद्ध विहार की तरफ, और मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा होने जा रहा है। 10 बज गया तो थकावट से शरीर में भी आ जाता है। तो अब चलते हैं घर, और जो था मैंने आपको अपडेट दे दिया, आज ओला और उबर में दोनों मिला करके जो काम हुआ है
1100 रुपये का ओवर में हुआ है और 800 रुपये का ओला में हुआ है। दोस्तों आज का दिन भर का यही काम है, क्योंकि दिन में आज मैं करीबन काफ़ी देर खाली रहा, कोई काम धंधा नहीं रहा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे मार्केट में काफ़ी सारे ड्राइवर भाई को मैंने रिव्यू लिया है, तो कुछ लोग अच्छा बताए थे, कुछ लोग ख़राब बताए, काम की नहीं है, काम मार्केट में डाउन है। एक भाई के पास मैं गया तो एक भाई बोले कि भाई मैं कैमरा पे ही नहीं बोल पाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। बाकी काम धंधे के बारे में मैंने उनसे जांच पड़ताल की, मैंने कहा भैया ऐसा तो नहीं कि मेरा काम कभी तेज होता है कभी मंदा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है? तो बोला कि हाँ भैया होता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मंदा है, आज मतलब 11 जनवरी को, बाकी वैसे होता रहता है थोड़ा थोड़ा काम। दोस्तों जो भी है मैंने आपको बताया, सारा अपडेट दे दिया आज का। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।